पुलिस का बहुत दबाव है, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, आप लोग जाइए। पुलिस पुलिस ये भी नहीं चाहती कि हम प्रेस तक अपनी बात पहुंचा सके। हाथ पैर बांध के रख दिए हैं बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस वक्त जंगल राज की सी स्थिति है। मेरे मीडिया प्रभारी के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को इत्तला देने के लिए उनसे कहा था। तो अब आप जान रहे कि भाई मीडिया प्रभारी को किस बात का नोटिस दिया गया है। सरदर्द मेरा इतना कहना है कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, और हर बाशऊर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। मैं किसी ख़ास की हिमायत या मुखालफत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120B का मुल्ज़िम तो ज़रूर बनाया जाना चाहिए, जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है। तो उस साजिश में वो बराबर का शरीक है। सिर्फ अरुण को या लवलेश को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी बैठाने से काम नहीं चलेगा, इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो इस साजिश में मुलव्वस हैं। और मेरा मानना यह है कि पुलिस और गुंडे जराइम पेशा तमाम लोगों में एक गठबंधन बन गया है और इनकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। यह गठबंधन अगर नहीं टूटा तो देश में हालात बद से बदतर हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हमारे प्रदेश हमारे देश के हालात ख़राब ना हो, अमनो अमान बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। इसके लिए हम कोशा हैं, और इस कोशिश में पुलिस भी हमारा इसलिए साथ नहीं दे रही है क्योंकि पुलिस बराबर की उन तमाम जराइम में शरीक है। ये जो हादसा हुआ है, मैं किसी एक वाक़े का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ख़ास तौर से अतीक वाले मामले की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि उसमें पुलिस की भूमिका पूरी साफ साफ नज़र आ रही है। और वो जो जराइम पेशा थे जिन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने कत्ल किया नहीं है बल्कि उनसे कत्ल करवाया गया है, और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी है, सरकार की पूरी भागीदारी है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं वो तमाम के तमाम बेईमानी की बुनियाद पर हुए हैं। विकास दुबे से लेकर आज तक के इनकाउंटर, अभी पिछले दिनों राणा का इनकाउंटर हुआ, हम ऐसे तमाम फेक इनकाउंटर्स की मुखालफत करते हैं, और हम ये कहते हैं हमारे लिए चिंता का विषय ये है और तमाम प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आज जुडिशरी का कोई रोल नहीं रहा। जुडिशरी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पुलिस स्टेट बना दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश को, गन और बुलडोज़र के नाम के ज़रिए अगर फैसला किया जाना है तो अदालतों की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अदालतें बंद की जाएं, और अगर अदालतें ज़िंदा रखनी हैं तो अब इन तमाम जो इन जराइम में शामिल है उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। अतीक और अशरफ पे पूरे हत्याकांड में किसको मानते हैं, किसकी संलिप्तता है? मैं अतीक और अशरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि विकास दुबे से लेकर आज तक के तमाम इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, उन तमाम के पीछे सरकार की बेईमानी और पुलिस और गुंडों का जराइम पेशा लोगों का गठजोड़ सामने आएगा। पुलिस का राज खत्म होना चाहिए और कानून का राज कायम होना चाहिए। पुलिस जिस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए, किसी को बोलने नहीं देना चाहती, 144 लगा दी जब चाहे कर्फ्यू लगा दें, जबान की तालाबंदी, बोलने पर पाबंदी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी
कोई धारा लगा दो, कोई मुकदमा कायम कर दो, कर्फ्यू लगा दो, इंशाल्लाह हम परसों धरने पर बैठेंगे इन तमाम चीज़ों के खिलाफ कि या तो अदालत को जिंदा रखो या इन तमाम लोगों के खिलाफ जो इन जराइम में शामिल है बराबर के उनके खिलाफ कार्रवाई करो। सिर्फ बरेली में धरना होगा या पूरे प्रदेश में होगा? मैं जो काम बरेली से शुरू करता हूं वो पूरे देश में फैलता है। बरेली में मैं करूंगा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में इंशाल्लाह मैं परसों 12 बजे बैठ जाऊंगा और उसके बाद हमारा दिल्ली में भी धरना होगा, हमारी दूसरी जगहों पे भी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? एक दिवसीय होगा या बहुत से मुद्दे हमारे हैं। जब तक हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जाएगा, हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे और हो सकता है कि गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तारी की परवाह नहीं है, हम ये चाहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कि कुछ रोज़े बाकी हैं, अगर वो रोज़े हमें जेल में गुजारने पड़ते हैं या ईद हमें जेल में मनानी पड़ती है, तो ऐसी सरकार में, ऐसी बेईमान सरकार की मौजूदगी में, ऐसी बेईमान पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हम आज़ाद रहने से बेहतर समझते हैं कि हमें जेल में डाल दिया जाए। अंग्रेज़ों से ज़्यादा जुल्म इस वक्त हिंदुस्तानियों पर किया जा रहा है और पुलिस और हुकूमत इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है। मैं ये देखता हूँ तमाम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं खुलेआम, मतलब कानून का राज ख़त्म हो गया है। हम ये चाहते हैं कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए, अदालतों की अहमियत बरकरार रहनी चाहिए और ये पुलिसिया राज जो है, पुलिस स्टेट जो बना दिया गया है हमारे प्रदेश को, ये खत्म किया जाना चाहिए। आप धरने की बात कर रहे हैं, प्रदेश में 144 लगी, 4 से अधिक लोग, आप धरने की बात कर रहे हैं? नहीं, 144 लगी है और बात है, कर्फ्यू लगा होता तब भी हम अपनी बात कहने के लिए, धरना देने के लिए पाबंद थे और धरना देते। कर्फ्यू लगा दें तब भी इंशाल्लाह धरना परसों इंशाल्लाह 12 बजे दिया जाएगा। आपने ये बताइए, और ज्ञापन किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक भी ईमानदार आदमी बताओ जिसे हम ज्ञापन दे सकते हैं। मैं सतपाल मलिक जी की हिमायत करता हूं, पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर, उनकी हिमायत करता हूं और उनके सवालात के जवाब मेरे सवालात के जवाब मत दो, सतपाल मलिक के सवाल के जवाब दे दो, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। पुलिस कस्टडी में मौत होती है, अगर बात की जाए तो उन पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे, उन्होंने भी कोई अच्छे काम नहीं ऐसे से मैं अतीक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अतीक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो विकास दुबे से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ। जितने इनकाउंटर हुए हैं वो सारे फेक हैं, वो सब झूठ पर आधारित हैं। और अगर आप अतीक की बात करते हो कि उस पर इतने मुकदमे थे, तो और कितनों पर कितने मुकदमे हैं, उन तमाम के साथ क्या ये कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या ये कार्रवाई जायज है? जो करवाया गया वो ठीक है? हजरत, पुलिस की कस्टडी में हटे हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ पुलिस कस्टडी में, पुलिस खुद मारना चाहती थी, मौका नहीं मिल सका उसे मारने का, इसलिए उसने कुछ गुंडों को हायर किया जो उसके जो क्रिमिनल पहले से हैं और पुलिस के रास्ते में थे। पुलिस ने उन लोगों को लालच दिया और उसे ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम इनका खुलेआम कत्ल करो, तुम हीरो बना दिए जाओगे और कल तुम MP बनोगे, मिनिस्टर बनोगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ऐसे लालच दे दे के ये काम कराए जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों पर। धार्मिक विशेष के नारे लगे घटना के समय, तो क्या मानते हैं, क्या हिंदू आतंकवाद से? नहीं, मैं हिंदू आतंकवाद से इसे जोड़कर नहीं दे रहा, इसे हिंदू आतंकवाद की तरफ अपना यहाँ पहले जोड़ने की कोशिश की गई है। असल में ये हिंदू आतंकवाद नहीं था, असल में ये हत्या उनकी नहीं थी, क्योंकि उनकी तो जिंदगी हत्या होकर तो एक तरह से उनको निजात मिल गई, जिंदा रहते उनकी हर वक्त छींचा लेदर होती रहती, यहाँ तारीख हो रही, वहाँ तारीख हो रही, गुजरात जा रहे हैं, इलाहाबाद आ रहे हैं, ये तमाम तमाशे होते रहते और ये इससे पूरी कौम को जलील करते रहते।
ये तो एक तरह से मैं ये समझता हूं कि उनकी निजात हो गई, वरना ऐसी जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं एक को भी ये नहीं मानता कि उन्हें इंसाफ मिला है। वो तमाम हत्याएं हैं और हर हत्या अपना इंसाफ मांग रही है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, या तो अदालत इंसाफ करे। मैं बता रहा हूं कि इसमें जांच का विषय है, इसमें जिन जिन लोगों की संलिप्तता है उन तमाम पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 120 भी सिर्फ तीन हथियारों की बात नहीं है, इसके पीछे पुलिस के कितने और कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, इसके पीछे सरकार के कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसके पीछे मुख्यमंत्री का कोई हाथ है कि नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, ऐसे तमाम लोगों को 120 बी के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। हम तो मिट्टी में मिलने वाले लोग हैं, हमें मिट्टी में ही मिलना, और मिट्टी में मिलने से किसने बचना है। लेकिन धर्म विशेष की बुनियाद पर अगर किसी को निशाना बनाकर इस किस्म की साजिश रची जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने सदन के पटल पर ये बात कही है, खुलेआम ये बात कही है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो सिर्फ यही मिट्टी में क्यों मिलाए गए, ऐसे कितने माफिया हैं वो तमाम मिट्टी में मिला। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इस किस्म की कार्रवाई और लोगों के साथ हो, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब दे, और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में है तो परसों मेरा धरना रोक कर दिखाओ। क्या अपना धरना शांतिपूर्ण तरीके से होगा? मेरा धरना हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता है। जिस तरह उन तीन मर्डरर ने इस तरह अपने आप को सरेंडर किया है, पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई जबकि उसको चलाना चाहिए था। तो उस तमाम विषय पर हमें बात नहीं, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। हम इस अंदाज में जाएंगे, चाहे अपने ऐसे किराए के गुंडों से हमें मरवा दो, चाहे पुलिस के जरिए हम पर लाठी चार्ज करवा दो, आंसू गैस छुड़वा दो, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लो, जो चाहो कर लो, धरना होगा और होकर रहेगा। और हमारी इन बातों का संज्ञान केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए, इस हमारी इन मांगों का संज्ञान सुप्रीम माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। और हमारी इन मांगों का संज्ञान अगर माननीय आदित्यनाथ में ज़रा सी भी मानवता नाम की कोई चीज़ बची है तो उन्हें इस वाक़े की या ऐसे तमाम वाक़यात की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। हजरत साहब, क्या संविधान खतरे में जिस तरीके से ये घटना हो रही है, कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान मतलब ले चुकी थी पहले ही, वहाँ से रिट इन्होंने डाली थी याचिका जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा की मांगी गई। मैं ये कहता हूँ कि भाई कहीं कुछ हो जाए, मुझे कोई तकलीफ हो जाए, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे पुलिस के पास जाना है। कहीं झगड़ा फसाद हो जाए, पुलिस का काम है कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई करो, जज के सामने पेश करो। बुलडोजर के जरिए और बंदूक के जरिए फैसला अगर होगा तो अदालतों की क्या जरूरत है। अब मैं किसके पास जाऊं जबकि मैं ये देख रहा हूं कि पुलिस ही बेईमानी करने पर उतारू है, बेईमानी कर रही है। तो अब हमारा अब सही वक्त है ये कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोग, हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखने वाले लोग, उन तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ऐसे ही इस हुकूमत के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। क्या क्या मांगे होंगी आपकी धरने को लेकर? मैं मांगे उसी वक्त बताऊँगा। और हमारी मांग पुलवामा भी होगी क्योंकि आम हिंदू की जानकारी में ये बात आना चाहिए कि वो किन बहकावों में आकर अपने देश के साथ
गद्दारी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको बहका कर उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और देश को नुकसान पहुंचाने का आम आदमी काम कर रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर। मैं पूछता हूं, हाथ जोड़कर पूछता हूं, आम हिंदू से पूछता हूं, मेरी खता क्या है? मुझे मेरी खता बताओ। क्या आप मुसलमान होना मेरी खता है? मैं कभी आपके धर्म पर कोई उंगली नहीं उठाता हूं। मुझसे आपको क्या तकलीफ है? मैंने आपको क्या तकलीफ पहुंचाई है? किस वजह से मुझसे इतनी नफरत की जाती है कि मुझसे कारोबार करने को तैयार नहीं, मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं, मुझसे दोस्ती करने को तैयार नहीं? मैंने ऐसी क्या खता कर दी है? मैं अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि मुसलमानों ने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिसकी वजह से मुसलमानों से इस कदर नफरत है। कुछ मुस्लिम समुदाय के बातचीत चल रही है इस हालात के बाद, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं अमन और शांति के लिए? अमन और शांति के साथ ही हमारा हर प्रोग्राम होता है और अमन शांति के साथ ही ये प्रोग्राम भी संपन्न होगा।